Good morning student, welcome to Mac Mathmania YouTube channel. I hope you are doing well. Today we will discuss class 8 synthetic fiber and plastic, in which we will discuss some other two types of synthetic fiber like polyester and acrylic. ठीक है, इसमें आपको ये सारी चीजें बताई जाएंगी. पॉलिएस्टर का यूज क्या है, उसका क्या कहते हैं, कैसे बना ये, ठीक है. इसका एक्रेलिक बताएंगे, वो भी उसका क्या यूज है, कैसे फॉर्म होता है, सारी चीज बताई जाएगी. पहले आप देखिए पॉलिएस्टर के बारे में. पॉलिएस्टर क्या होता है बेटा, पॉलीमर ऑफ एस्टर. ये क्या है, पॉलीमर ऑफ एस्टर. याद कीजिए पॉलीमर क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे मोनोमर को एक लॉन्ग चेन में मिक्स करके यूनिक कर दिया जाता है, तो वो बेटा क्या होता है, पॉलीमर होता है. अब वही छोटे छोटे जो आपके मोनोमर होते हैं वो किस टाइप के होने चाहिए, एस्टर के, ठीक. यानी बहुत सारे छोटे छोटे एस्टर को मिक्स कर दिया जाता है तब वो क्या बन जाता है, पॉलिएस्टर. तो यही है, पॉलीमर ऑफ एस्टर होता है कौन, पॉलिएस्टर. फिर एंड एस्टर क्या है, एस्टर इज ए केमिकल सब्सटेंस और उसकी जो स्मेल होती है फ्रूट जैसे, ठीक है, गिव्स स्मेल लाइक फ्रूट. तो ये फ्रूट जैसी आपकी क्या होती है, स्मेल देती है, ठीक है, कौन, एस्टर, ठीक है. तो बहुत सारे एस्टर को मिला दो तो वो क्या हो जाता है, पॉलीएस्टर, ठीक है. अब देयर आर डिफरेंट वैरायटी ऑफ पॉलिएस्टर. पॉलिएस्टर के बहुत अलग अलग प्रकार के टाइप हैं. जैसे आप देखिए टेरिलीन हुआ, पीटी, पीटी का मतलब पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेन, ठीक है. ये आपके दो मेन यूज होने वाले पॉलिएस्टर है, ठीक है. अच्छा, टेरिलीन फाइबर इज यूज टू मेक फैब्रिक. अब फैब्रिक टर्म को भी समझिए बेटा, क्लास सेवेंथ में पढ़े हो. फाइबर क्या होता था, एक सिंपल सा रेसा होता था, ठीक है, एक सिंपल सा रेसा. अब उन्हीं रेसों को बहुत सारा मिक्स करके एक बड़ी सी क्या कहते हैं, समझ लीजिए पट्टी बना दिया जाता था, तो वो क्या होता था, फैब्रिक होता था, ठीक है, उसको बुन के निटिंग करके, ठीक है. तो वो फैब्रिक होता है, तो टेरिलीन फाइबर इज यूज टू मेक फैब्रिक. टेरिलीन फाइबर को जो है फैब्रिक, बड़े 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 फैब्रिक बनाने में यूज किया जाता है. फिर इट इज ऑफन मिक्सड विद अदर टाइप ऑफ फाइबर्स टू मेक डिफरेंट वराइटीज ऑफ फैब्रिक्स. मतलब अब देखो फैब्रिक बनाना है, फैब्रिक कैसे बनाएंगे, बहुत सारे जो मोनोमर है उसको अलग अलग तरीके से मिक्स करके. जैसे समझिए, जैसे मैं यहाँ पर कह दूँ पॉलीकॉट मुझे बनाना है, तो मैं पॉलीएस्टर ले लूँगा और कॉटन ले लूँगा, तो बेटा आपका क्या बन जाएगा, पॉलीकॉट. फिर समझिए पॉलीकॉट बनाना है, पॉलीएस्टर प्लस कॉटन, कॉटन रुई, ठीक है, दोनों को मिक्सचर कर दो, क्या बन जाएगा, पॉलीकॉट. इसी तरह से हम पॉलीवूल को बना सकते हैं. पॉलीवूल का मतलब पॉलिएस्टर प्लस वूलन, वूलन मतलब ऊन, दोनों को मिला दो बेटा क्या बन जाता है, पॉलीवूल. तो यहाँ पर यही चीज मुझे बताना था कि अलग अलग फैब्रिक्स बनते हैं पॉलिएस्टर में, अलग अलग चीज मिला के. जैसे आपने अभी देखा क्या, वूल को और कॉटन को मिला के बनाया गया, पॉलीवूल और पॉलीकॉट, ठीक है. अब यूजेज पे आइए बात करते हैं. तो इसका यूज वाइडली यूज है ड्रेस मटेरियल लाइक साड़ी, जैसे साड़ी हुआ, शर्ट हुआ, आपकी स्कूल के जो ड्रेस है उसको बनाने में बहुत ज्यादा यूज होता है. पॉलिएस्टर क्या है, पॉपुलरली कंपाउंड कंबाइंड विद नेचुरल फाइबर्स एंड मैनमेड फाइबर्स टू मेक रिंकल फ्री फैब्रिक्स. अच्छा, एक चीज सबसे बड़ा यूज पॉलिएस्टर और एक्रेलिक दोनों का ये है, क्या, श्रिंकेज और रिंकल. ध्यान सुन लीजिए, आगे भी मैं फिर से बताऊंगा, श्रिंकेज और रिंकल. रिंकल माने झुर्रियां पड़ना, श्रिंकेज का मतलब सिकुड़ना. तो ये चीज अगर आप पॉलिएस्टर मिला देते हो तो बेटा बहुत कम चांस, जैसे आप देखो मोजा है, मोजे में आजकल देखिए पॉलिएस्टर वाला मिलके आता है, ठीक है, तो वो क्या, मोजे में जल्दी झुर्री पड़ती है क्या, नहीं ना, तो लो, लेकिन कुछ कपड़ों में पड़ जाता है. जैसे आप देखिए सूती यानी कॉटन कपड़े को डायरेक्ट यूज करो, बहुत जल्दी उसमें झुर्रियां यानी श्रिंकेज और क्या कहते हैं रिंकल आ जाते हैं, लेकिन इनमें बेटा नहीं आएंगे, ठीक है. तो अब देखो यहाँ पर ये, इसीलिए यहाँ पर ये जो दूसरा टर्म है वो समझे है ना, दूसरा टर्म पॉलिएस्टर इज प्रॉपर्ली कंपाउंड विद नेचुरल फाइबर एंड मैनमेड फाइबर टू मेक रिंकल फ्री फैब्रिक्स. मतलब झुर्रीदार ना बने कोई फैब्रिक, ये आप पॉलिएस्टर मिला के बना सकते हो, ठीक है, मतलब उसमें फिर झुर्रियां नहीं पड़ेंगी. फिर देखो फॉर एग्जाम्पल में इन्होंने ये जो मैंने भी बताया ना बेटा दो चीज, तो वो पहले ही बताया वही कि पॉलीवूल और पॉलीकॉट दोनों मिला के बनाते हैं. तीसरा आ जाओ, यूज इन पिलो स्टफिंग. आप जानते हो जो तकिए के अंदर रुई होती है, आजकल डायरेक्ट रुई नहीं भरी जा रही, आजकल क्या भरा जा रहा है, पॉलीएस्टर वाला, ठीक है, पूरा मैटर ला के भर दिया जा रहा है, तो वो भी एकदम बढ़िया फील करता है, देता है रुई जैसा, ठीक है.
चौथा क्या है, मेकिंग बॉटल्स एंड स्टोरेज कंटेनर। आपके बड़े बड़े कंटेनर भी जो प्लास्टिक टाइप में, वो भी बेटा इसी पॉलिएस्टर से ही बनाए जा रहे हैं, ठीक है, बॉटल एंड कंटेनर। अब हम बात करने चल रहे हैं एक्रीलिक की, ठीक है। तो एक्रीलिक क्या है बेटा, आप देखिए आजकल जो नए नए ऊन आ रहे हैं, ठीक है, जो वूल आ रहे हैं नए नए टाइप के, वो बेटा देखो एक से एक कलर के होते हैं, गर्म भी होते हैं, ठीक है, और जबरदस्त शानदार लगता है, ठीक है। तो यही है, इट इज आल्सो ए टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर, ये भी सिंथेटिक फाइबर का क्या है, टाइप है, दैट रिसेम्बल्स वूल इन इट्स प्रॉपर्टी। इसकी प्रॉपर्टी में बेटा मतलब ये अपने अंदर ऊन वाला गुण रखता है, ठीक है। एक्रेलिक में क्या होता है, ऊन वाला प्रॉपर्टी आ जाती है इस सिंथेटिक फाइबर में। इट इज लाइट वेट, हल्का होता है, मुलायम होता है, ठीक है, और वार गर्म उतना ही जितना ऊन, ठीक है। फिर यहाँ देखो मतलब कुल मिला कि बुद्ध वूल लाइक फील, आपको टोटल फील किसकी दिलाएगा, वूल की, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट टर्म की बात कर लें, इट रेजिस्ट श्रिंकेज एंड रिंकल। मैंने शुरुआत में ही बताया श्रिंकेज और रिंकल दोनों का ही सबसे बड़ी प्रॉपर्टी, इसमें श्रिंकेज रिंकल नहीं पड़ेंगी, ठीक है। फिर आइए देखिए ध्यान से, इट कैन आल्सो बी डाइड वेरी वेल इन वेराइटी ऑफ कलर, अलग अलग कलर, मैंने बताया ऊन अलग अलग कलर के आ रहे हैं आजकल, तो इसी के कारण आ रहे हैं, किसके कारण, एक्रीलिक के कारण, ठीक है। इट इज चीपर देन वूल, वूल से क्या होता है सस्ता, तो वूल में आप देखते हो नेचुरल दुनिया भर के काम करते, शेयरिंग सॉर्टिंग है ना, ये सब याद करो क्लास सेवेंथ वाला करते थे कि नहीं, तो उसमें समय ज़्यादा लगता था, पैसा ज़्यादा लगता था, खर्च ज़्यादा होता था, ये क्या है केमिकली चीज़ है, आराम से बन जाता है, और ये क्या होता है सस्ता होता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपने हर एक टर्म को इंजॉय किया होगा, और इंजॉय किया हो तो आप अधिक से अधिक हमारे चैनल को फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है, जिससे मोटिवेशन मेरा बेटा बना रहे हम और अच्छे से अच्छे मैटर को ला के रख सके। आप देखिए एनसीईआरटी बुक में आपको निचोड़ निकालना होता है, और आप अच्छे से निकाल ले रहे हो, बच्चों को समझा ले रहे हो, इसका मतलब मुझे लगता है कि बहुत बेस्ट आप उसको क्या कर रहे हो, फॉर्म कर रहे हो बच्चे को, ठीक है, एक एक चीज़ समझा देना, तो समझ लिए होगे। तब तक के लिए थैंक यू, लेकिन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।